एवरीवन, गुड मॉर्निंग नहीं, अभी इवनिंग हो रही है, तो गुड इवनिंग खम्मा गणी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेज व्लॉग। तो हम तीनों अभी जा रहे हैं घूमी करने। तो हम लोग जा रहे हैं अभी भाभीसा के घर पे, मतलब कि जो नितिशा के बड़े पापा है ना, उनके घर पे जा रहे हैं हम। और वो क्यों जा रहे हैं वो तो आप लोगों को आगे पता चल ही जाएगा, या फिर टाइटल से ही पता चल जाएगा कि हम लोग क्यों जा रहे हैं आज। क्योंकि भाभीसा का बर्थडे है, तो इस वजह से हम लोग जा रहे हैं उनके घर पे, उन्होंने बुलाया था अभी, तो हम वहाँ जा रहे हैं। और मैंने ना ये 4 मीटर का बेस जो घर में पहनती हूँ ना, वो पहना हुआ था, और इसके ऊपर है ना ये न्यू ओढ़ने लगा ली। पता है 4 मीटर का सबसे अच्छा जो फायदा है ना क्या है, कि घर में 4 मीटर बेस पहनो तो घर में तो जो आपके डेली वेयर की ओढ़नी होती है ना वो लगा लो, और कहीं जाओ ना तो उस पर न्यू ओढ़नी लगा लो, तो मतलब बेस ऐसा नया जैसा लगने लग जाता है। तो अभी वैसे भी रात हो रही थी, तो इसलिए मैंने चेंज नहीं किया, उसी के ऊपर मैंने मेरी दूसरी न्यू ओढ़नी लगा ली। तो अभी हम जा रहे हैं रास्ते में, यहाँ गंगापुर में ऑटो बहुत चलते हैं तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो। तो हम लोग अभी यहाँ रास्ते में रुके हुए हैं और ये दुकान पे गए केक लेने के लिए और बच्चों के लिए चॉकलेट। पूनम दीदी भी आ रखे हैं, तो उनकी बेटी है छोटी, और एक नितिशा भी लेगी, तो नितिशा के लिए भी चॉकलेट लेने के लिए गए हुए हैं अभी ये। तो बस अब ये केक लेके आ जाए, फिर हम लोग निकलेंगे। ये कह रहे थे आप भी चलो देख लेना कौन सा लेना है, मैंने कहा आप ही ले आओ यार, क्या पसंद करना, केक सब एक जैसे, आप ले आओ। ये खड़े ये दुकान पे पीछे रख दो गाड़ी में, डिग्गी में, टिक्की में डाल दो, टिक्की में डाल दो। ये हमारी बर्थडे गर्ल तो पता नहीं जाने क्या लेके आ रही है। धनिया। अच्छा धनिया लेके आ रहे हो क्या? ओह माय गॉड, मेरे लिए नहीं है क्या मेरे लिए ही है? अंदर तो आओ। देखो ये दीदी है। नमस्ते, वैसा हेलो, अंदर चलो। हमारी सीधी सुबह से बोर हो रही है भाई, दीदी से भी हेलो करो। और आप क्या नाम? भैया की कुकिंग तो बन जाती है, उसके बाद ही पता चलता है कि क्या बन जाएगा। हाँ, नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या बन जाओ। आज हमारे बन रही है दूध वाली स्पेशल, और पूनम दीदी को अभी से घबराहट हो रही है कि टिक्कड़ में तो क्या डाला, दही, और सब्जी में डल रहा है दूध, पेट में जाके ना दोनों फटने वाले हैं। आप मूंग की दाल रखी है, गोभी सब्जी रखी हुई है। तो को अगर है ना, अगर यहाँ टेस्ट अगर अच्छा नहीं आना तो क्या बोलो, थोड़ी देर लाते रहो। पूनम दीदी को डर लग रहा है कि सुबह जाके पेट खराब हो जाए, शादी में और जाना सुबह और आज हमारी बर्थडे गर्ल जम रही है भाई साहब, लिपस्टिक लगा के। अच्छा देखा ही नहीं चुकी, जबकि स्पेशल में दूध डाल गए। ये नीते ना, ये काते भैया ने सब्जी में किया सबसे बड़ा घोटाला। आज की ब्रेकिंग न्यूज। क्या तुम कर पक गया क्या आप भी? तो लाख खा खा के सबका पेट भर गया। अब ये सोच रहा है कि अब मैं पक जाता हूँ। हम भी लगा देते लो हाथ, ये एक स्पेशल 5 जने मिलके बना रहे। तो अभी हमारी स्पेशल बन गई, टिक्कर भी आधे बन गए, आधे बनने बाकी, और एक के एक तो पहले काट चुके भाभी सा हमारे बिना ही, गुस्सा हूँ मैं इनसे। तो अब हम दोबारा भी थोड़ा टिक्कर और बन जाए, उसके बाद में हम केक काटेंगे। तो जावेद जी बताएंगे कैसी बनी है। कैसी बनी है पूनम दीदी, खा के बताएंगे। हाँ। क्योंकि उनकी पेट में तो वैसे ही गुड़गुड़ हो रही थी, मन में खुश हो जा तू। मैं बताती हूँ, आप खा सकते हो दीदी आप।
मैं और खा लूँ उसके बाद में आप खा सकते हो। यदि आप जिंदी नहीं तो हम खाने लायक भूल जाएंगे। लेकिन असत्य यार सुबह तक पता चलेगा इसका। मैंने कहा कि आप जिंदी नहीं तो फिर मैं खा लूँगी। मिलावट नहीं थी इसलिए चलेगा दौड़ेगा। अच्छी बनिया। ये गाइस तो अभी हम लोगों ने खाना खा लिया हमने भाभी से, और ये तो बाद में खाएंगे क्योंकि अभी थोड़ा चेंज वेंज करके फिर तो अभी हम केक काटेंगे फिर निकलेंगे हम लोग यहाँ से। आज अब क्या करना है? उसको हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश क्या? आ जाओ मामा के पास बैठो जाके। एक इधर एक इधर केक बड़े पापा ढाती के दो कुछ रख दो यहाँ पे। आ जाओ इसी में इसी डिब्बे के अंदर ही काट लेना ना, खोलते ही डिब्बे को पूरा, फिर भी कुछ बिछा लो। ये दोनों मेरे राज दुलारे हैं, ये दोनों मेरे राज दुलारे हैं। ये बोले चार दो। अरे वाह देखो शिष्टी दीदी ने ड्राइंग की थी। ये नहीं है। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे यार, ये तो मैजिक वाली नहीं थी यार। हैप्पी बर्थडे डियर बड़ी मम्मी। हैप्पी बर्थडे टू यू। अब बड़ी मम्मी को केक खिलाएगा कौन? मैं खिला लियो। मामी को खिला बेटा, थोड़ा खिलाओ धीरे से खिलाना। वाह अब चीची खिलाएगी, अब चीची खिलाएगी, अब गुड्डू बेटा खिलाएगा। हाँ हाँ नहीं आप भैया को खिलाओ पहले। अरे अरे वीडियो तो वो केक उधर खिलाया जा रहा है। नहीं नहीं गुड्डू के हाथ में आने के लिए तू भी के नंबर का भाग इनका फोन में से इसमें जा रहे हैं, इसलिए उसने सोचा कि अब अगला नंबर मेरा ही है। नजर हटी तो पापा खिलाएगी ना। खिलाओ। अरे रे खा ले। खिलाओ ना भैया। अरे खा व्रत है उनका। मुझे स्पेशल खाली दूध वाली आज वही बहुत है। एक दूध था उसमें केक का काम कर रहा था, मावा भी था। आज अच्छी नहीं बनी। भी अच्छी नहीं बनी। पूरा भी खोल लो, पूरा जितना बड़ा हो सकते हो। कम खिलाया था या मोटा है? पूरा सब आ जाएगा, इतने सा मैंने उसका डबल खाया है। मेरे को गुड्डू खिलाएगी। ग्लो 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 आएगा। तब्बू मेकअप करके गई है मेरा। कोई बात नहीं था तो मैं और कर देती हूँ अच्छा वाला। मेरे को तो खिलाओ पहले, गुड्डू खिलाएगी ना मेरे को। अरे ब्लॉकबस्टर को का खिलाऊंगी। अब कौन खिलाएगा? अब मैं। अब आप खिलाओगे? गिरा मत देना। अब अजीत की बात है। मैं थोड़ा सा खाऊंगा। मुंह खोल लो पूरा। नहीं नहीं खोल लो पूरा। मैं कह रहा था तूने सारी फोटो पे काट दी छोरा भी खोल। हां इसके चक्कर में तो आप दीदी का वीडियो बनाना भी भूल गए। नहीं एक बार में जाना चाहिए पूरा। एक बार में पूरा। अरे हाथ नीचे करो यार। 1 2 3 4 हाथ नीचे कर लो। हां यार आप इतना खा रहे हो, शर्मा क्यों रहे हो? शर्म आ गई उसको, और पहले इसकी केक पे नजर थी। पर दीदी का वीडियो भी नहीं लिया। कोई बात नहीं, कोई हम तो भी यही वीडियो चलते रहेंगे। ये देखो उसने कितना बड़ा मुंह खोला है। ये देखो उसे क्या पूरा एक बार में खा जाएगा। अब मैं खिला। अरे घर पर हमारी चाबी नहीं मिल रही। दीदी कह रहे अब उसको घंटी कैसे करे। ऐसी चीज भी नहीं जो भी उसको घंटी करके ढूंढ ले। अभी आपके पास ही थी वो चाबी। देखी तूने फोर व्हीलर की? हाँ मिल रही थी तो बोलो ले घंटी कर दो। घंटी कर दो। उसके पास कैसे घंटी करे? जब मैं देखी मामा की चाबी देखी थी क्या गाड़ी की? हाँ मैंने देखी है। किसी की आँखों की पता नहीं किसकी यही से उठा के लेके गया हूँ। आपने मैं खाना खा रही थी ना तब आपके पास थी। गाड़ी की चाबी खो गई, अब कैसे चलेंगे? ये लो कांख में छोरा गांव में ढिंडोरा। है ना वही वाला हाल हो गया ये तो। चलो ठीक है मैडम जा रहे हैं हम। चलो आ जाओ। बाय सृष्टि। बाय फिर आना है ना। अभी के साथ
तो हम लोग अभी जा रहे हैं घर पे और रास्ते में हम लोग बाईसा को लेते हुए निकलेंगे क्योंकि बाईसा भी अपनी फ्रेंड के घर पे आए हुए थे तो वो अभी यहीं है तो हम उनको लेते हुए निकलेंगे अभी। क्या ये देखो ये अभी अपने बड़े पापा से ना मार कर लेकर आई है। आजकल ये कहीं भी जाती है ना तो कहीं पढ़ाई की चीजें मिल जाती है ना तो बस वो बटोर लाती है कहीं से भी। तो हम निकल रहे हैं अभी, निकल गए।